व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रेशो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तुर्की जो कंट्री उसने थैंक्स किया है इंडिया को और ये बोला है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये वाली बात है, जब मदद जरूरत होती है किसी को तब एक सच्चा दोस्त काम आता है। और जबकि इंडिया के अच्छे ताल्लुकात नहीं होते जितने कि पाकिस्तान के थे, लेकिन फिर भी आज इंडिया बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं पाकिस्तानी आवाम ने, पब्लिक ने वहां की क्या कहा है इस बारे में। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 गो। कल की बात है कि तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केयर का अर्थक्वेक आया, जिस पर सबसे पहले इंडिया ने अनाउंस किया कि हम इंसानियत की बुनियाद पर तुर्की की हेल्प करने जा रहे हैं। अब दो अपनी कंसाइनमेंट भेज भी चुके हैं तुर्की में। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा, जब 2005 में पाकिस्तान में 7.5 रेक्टर स्केयर का अर्थक्वेक आया था, तब सबसे पहले तुर्की ने हेल्प की, बहुत ज्यादा हेल्प की। लेकिन आज हम इस कंडीशन में नहीं कि तुर्की की हेल्प कर पाए। और इंडिया, जिसका तासुर ये दिया जाता है कि वो इस्लामिक कंट्री के या फिर इस्लाम के अगेंस्ट है, सबसे पहले हेल्प के लिए वो क्यों पहुंचा? जहां पर भी इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आप ईरान की बात कर लें, अगर आप अफगानिस्तान की बात कर लें, जहां पर भी मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया हेल्प के लिए जाता है। क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपका नाम? फराज। क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ठीक है। टॉपिक मेरा यह है, जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुर्की में अर्थक्विक आया है 2005 में, पाकिस्तान में भी अर्थक्विक आया था और तुर्की की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प की गई थी। क्या आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तुर्की को इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर सके? पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता, जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं, हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं, ना हम इस पोजीशन में हैं। है या पहले कभी थे, पहले कभी किसी कंट्री को हेल्प की हो? पहले पास में तो हम थे, मतलब वो करते भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अब बिल्कुल तो वैसे भी कंडीशन नहीं है, इनको खुद जरूरत पड़ रही है की तरफ से। अब तो हम खुद डिफॉल्ट होने जा रहे हैं ना। हमने क्या किसी की हेल्प करनी है, ठीक है। तुर्की के जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी पैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुँच जाता है। इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। हम अभी भी अंडर डेवलप हैं, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं, हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है नहीं। हमारे पास एक नाम नहाज डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। नहीं नहीं, जो तासुर दिया जाता है कि इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, तो फिर वो क्यों, मतलब तुर्की के नाम भी है। और सबसे पहले बड़ी चीज है कि सबसे पहले उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम हेल्प करेंगे। देखिए, इस्लाम एक अपनी जगह पे वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना। हम नेबर नहीं, हम नेबर है, हमारे साथ भी देखें, हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा, कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें, हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे, हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। बहुत सही बात, ये शेयर कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे, ये बात से हटके वो उसमें। हमें ये नहीं चाहिए, एक वैसे एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ पे, हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। देखें सर, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, ईरान ने कर लिए, हम किस अना में, किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, हमारा मुल्क अभी भी देखें डिवाइड हुआ पड़ा है, केपीके अलग है, बलोचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बल्तिस्तान अलग है। हम खुद ही जब डिवाइड हुए हैं, जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे, हम खुद यूनाइट नहीं होंगे, जब हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? पहले तो हमने खुद को देखना है ना, स्वीप बिफोर योर ओन डोर, पहले हमने अपना देखना है, उसके बाद घर में जो खामी है वो ठीक। सबसे पहले हम अपना देखेंगे ना, जब हम इस पोजीशन में होंगे, जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, अच्छी इनकम हो, अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा, तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो भाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड पब्लिक नहीं, हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। अब जैसे मुश्किल वक्त में इंडिया ने तुर्की का साथ दिया, एक नेचुरल सी बात है, कल को रिलेशन उनके साथ ज्यादा बेहतर होंगे या पाकिस्तान के साथ? आप क्या पाकिस्तान की फेवर में इंडिया के खिलाफ बोलेगा?
नहीं नहीं वो तो देखें, जो अगर किसी की हेल्प करता है तो वो तो उसी को वेटेज देगा ना, और पाकिस्तान को उसने क्यों देना? पाकिस्तान ने भी देखें, पाकिस्तान ने भी लीगल एड भेजी है, उस लीगल एड कह रहा हूँ आप, सिर्फ मैन पावर भेजी है, बंदे चलेंगे जी वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ रेस्क्यू करेंगे, बाकी देखें उस टाइम पे तो उनको चाहिए ना कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसी लेबर चाहिए, जो कि उन्होंने भेजी है, अब वो सब चीजें चाहिए, हम कुछ नहीं ना दे सकते बेसिकली। हालांकि तुर्की हमारा अच्छा हमसाया है, हमारा हमारे हमारे साथ उसके बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम उनको इस वक्त में जब उनको जरूरत है हम उनको हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कैसा उनका रिलेशन रहेगा? वही ना दोस्ती की, यही ऐसे ही तो टाइम होते हैं, नो डाउट मुश्किल वक्त है, इंसानियत सबसे पहले है, कोई भी कंट्री है किसी की हेल्प कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता कि एग्जाम्पल सेट की जाती है दोस्ती की, लो जी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती है देखें कैसे एग्जाम्पल, जब हमारी जेब में कुछ है ही नहीं तो हमारी दोस्ती कम होगी या बढ़ेगी? और जो जिनको हम कहते हैं जी वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, उनकी दोस्ती बढ़ेगी या कम होगी? इस्लाम के अगेंस्ट तो देखिए वो इस्लाम तो हैं, वो मतलब नो डाउट वो हैं, लेकिन देखिए वो इंटरनेशनली उन्होंने अपनी वैल्यू भी, अपनी वर्थ भी तो बनानी है, वो अगर सिर्फ यही तासुर दें कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं तो वो तो फिर इंटरनेशनल, लेट्स सपोज अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं तो फिर वो तुर्की को ना भी हेल्प करते तो उसके अंदर किसी ने उन्हें कुछ पूछना तो नहीं था? नहीं लेकिन यही तो वो वक्त होता है ना, जब आप इंटरनेशनली देखें, आप वो इंडिया जो है वो इस टाइम पे इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, वो ऊपर आ रहा है, ठीक है वो पांचवी वो ठीक है, वो पांचवी बन रहा है, पावर बन रहा है, लेकिन वो देखें इस टाइम पे जब आप किसी ऐसी कंट्री को जिसको जरूरत हो आप उसकी हेल्प करते हैं तो ओवरऑल आपको सारी कंट्रीज बाहर वाली भी देख रही हैं, आपको बाहर के मुल्क सारे देख रहे हैं, एक सॉफ्ट इमेज बन जाता है, एक सॉफ्ट इमेज वो तो ऑलरेडी उसका बन रहा है ना, कंपैरेटिवली पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान तो हम नीचे जा माइनस में जा रहे हैं, वो तो बड़ा ऊपर जा रहा है, ऐसा क्या करना चाहिए लास्ट में ये बता दें कि कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे, अब तो हम इस्लामिक कंट्री से भी कटते जा रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, आप देखें IMF कंट्रोल करने जा रही है पाकिस्तान को भी, सबसे पहले तो हमने IMF से अपनी जान छुड़ानी चाहिए, हमें ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें अफसरशाही है नौकरशाही है वो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक AC एक DC आप उसका प्रोटोकॉल देख लें, एक जस्टिस है आप उनका प्रोटोकॉल देख लें, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें गरीब मुल्क है, हमें अपनी ये जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, हम अब हम इस सिचुएशन में जो भी हमारे मुल्क में है जो हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं हमें ना करें, लेकिन ये कि सब ये कह रहे हैं कि हम कर भी चुके हैं, हम सबसे पहले हमें सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में क्या कौन सा सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या डिसीजन होना चाहिए, इस्लामिक निजाम शरी निजाम, वो शरी निजाम देख लें, हमारी जो रिलीजियस पार्टीज है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सिर्फ स्लोगन्स की हद तक ही रह गया, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, आप प्रैक्टिकली देख लें क्या हो रहा है, ऐसे ही सूद का निजाम है, वो हर चीज है जो इस्लाम के अगेंस्ट है, वो हर चीज पाकिस्तान में पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, सबसे पहले अब हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, जब हम स्ट्रांग होंगे ना तभी हमारा इमेज भी बाहर अच्छा जाएगा, हम अपने नेबर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, तभी हम इंटरनेशनली अच्छी तरीके से जाने भी जाएंगे। ठीक हो गया, आपने IMF की बात की है कि हमें बहुत सी शरायत या उनके साथ जो डील हो रही है उसके अंदर मुश्किलात का सामने, बांग्लादेश भी IMF के पास गया लेकिन उन्हें वो अपना उनके साथ डील इजीली कर रहे हैं, हमें हमारे लिए बहुत सी शरायत है, वजह क्या है? आप बांग्लादेश में देख लें जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल थे वो सारे चले गए छोड़ के पाकिस्तान, वो सारे इंडस्ट्रीज अपनी उन्होंने यहाँ से उठाई हैं, जाके उन्होंने लगा ली, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं ना है, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है जो रन करे इन सिस्टम्स को, और जहाँ पे देखें यहाँ पे इतने हैवी टैक्स लगाए जा रहे हैं, ना कोई फैसिलिटीज दे रहे हैं, ना कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको, तो ऑब्वियसली वो यहाँ छोड़ के बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश के लोगों को वहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ पे फंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे रेट देख लें, तो अफगानिस्तान में रेट देख लें और पाकिस्तान, तो बस यही बेहतरी की कोई उम्मीद है या नहीं आने वाले 5 साल या 10 साल में? कुछ उम्मीद बेहतरी की उम्मीद हमें रखनी तो चाहिए, अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली जब तक हम ये नहीं ना डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क को चलाना किन्होंने है, गवर्नमेंट कौन सी होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ये पहले ये देखें कि क्या निजाम लाए इस मुल्क में जिससे ये मुल्क चल सके, अभी तो कुछ समझ नहीं ना आ रही कौन चला रहा है, कोई जा रहा म्यूजिकल चेयर का सिस्टम चल रहा है अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने करना है क्या इस मुल्क के साथ। बिल्कुल जी, अच्छा लगा इनसे बात करके और इस बात से एग्री करता हूँ, पहले डिसाइड करना है कि हमारा विजन क्या है और हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है उसके लिए हमारे एम क्या है, जब हमारा विजन क्लियर होगा हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर होगा तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम कामरान है। क्या करते हैं आप?
जी मैं आईटी का काम करता हूं। आईटी का काम करते हैं। आपका नाम? नुमान अली। आपका, आप क्या करते हैं? मैं दुबई में होम अप्लायंसेस का। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ये है, अभी अर्थक्वेक आया है तुर्की में और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हजारों के करीब जाने गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया था 2005 में, तुर्की ने बहुत बड़ी तादाद में हेल्प की, बहुत बड़ी मिकदार में हमें चीजें भेजी, मेडिसिन भेजी और बहुत सी चीजें भेजी। आज हमारा हक बनता है हम उनकी हेल्प करें या नहीं? जी बिल्कुल, हमें करनी चाहिए, हमारा ब्रदर मुल्क है और मुसलमान होने की हैसियत से भी और हमारे जैसा टर्की के साथ रिलेशनशिप है तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है तो ये अपने तुर्की भाइयों के साथ खड़े हैं हर हवाले से। आपने बोला ब्रदर मुल्क है, मुसलमान कंट्री है हमारे, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे तुर्की के आपके ख्याल में? देखें ये जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हर मुल्क अपने मुफादात को मलूज़े खातिर रखता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे तुर्की के साथ या तुर्की के साथ रिलेशन है वो इंडिया के नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगला सवाल ये है या अगली मैं आपको खबर ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब अर्थक्वेक आया है तुर्की में, सबसे पहले जो हेल्प के लिए अनाउंस किया है, ऐलान किया वो इंडिया ने किया है और दो कंसाइनमेंट भी भेज दी है। दोस्त वो हमारा, यानी हम पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर दोस्त तुर्की और पाकिस्तान आपस में, हेल्प इंडिया कर रहा है, ऐसे उनके साथ दोस्ती ज्यादा बेहतर हो जाएगी हमारे से? सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखें हमारे मुल्क के मसाइल कुछ और हैं, अगर उन्होंने दोस्ती में ये किया है ना तो इंडिया, हाँ इंसानियत ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे किया है तो इंडिया हमारा बज़ाहिर हम तो नहीं समझते लेकिन एक दुश्मन मुल्क था, हमने कोविड में ऑक्सीजन दी है अपने दुश्मन को दी है, अगर तो वो चीज़ मैटर नहीं करती और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर उन्होंने ऐसा किया है तो, और हमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा, मेरा बात करने का मकसद ये है कि ऐसे दोस्ती में कहीं ना कहीं फ़र्क नहीं आ जाएगा जब तुर्की की तरफ से प्रॉपर ये बोला गया है, स्टेटमेंट दी गई है कि दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, यानी इंडिया ने जो हेल्प किया उसके ऊपर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, तो कल को मतलब हम हमेशा हेल्प लेते रहेंगे, किसी पर मुश्किल आएगी तो हम ये कहेंगे हम इस कंडीशन में नहीं हेल्प करें तो कल को हमारा? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया के सामने हमारे क्राइसिस, अभी हम सैलाब के आफत से, कुदरती आफत है, हम उससे बड़ी मुश्किल से हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं, हर जगह से परेशान है पाकिस्तान मुल्क में, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, तो वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, हम जिस जोगे भी होंगे, जिस काबिल भी होंगे, हम अपने भाइयों के साथ खड़े। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जब हमारे पे मुश्किल का वक्त आए लोग हमारी हेल्प करें, लेकिन जब किसी पे मुश्किल वक्त आए तो हम सिंपल सी स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई दुनिया के सामने हमारी सिचुएशन है, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते ये वो, और इंडिया जो कि तासुर दिया जाता है वो इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, वो इस्लाम के यहाँ पर थोड़ा तासुर दिया जाता है, वो हेल्प कर रहा है? देखें सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते, ठीक है, जो हमारे हमसाए हैं, बेशक इंडिया है, ठीक है, उसमें हमारा तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी एफर्ट करता है हर चीज़ में, चाहे हाँ हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है, और थोड़ी सी जोन सा है इंडिया के साथ हमारी हमेशा से ही लगती रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम उनके साथ निगोशिएट करते हैं, कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं, लेकिन ये है कि एक सिलसिला चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जी जी बिल्कुल, मैं आपसे, मुझे याद आया, ऐसे तो कल को उनके रिलेशन तुर्की के साथ बेहतर होंगे, लेट्स सपोज जैसे हम कभी कहते हैं कश्मीर के मामले में तुर्की ने हमारे साथ खड़ा है कश्मीर के मामले, कल को इंडिया के अगेंस्ट बोल पाएगा हमारी फेवर में? ये सवाल ये जाहिर है दुनिया के सामने, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हम कुर्बत क़यामत के दौर में दाखिल हो चुके हैं और गजवा हिंद किसी भी वक्त होने जा रहा है, तो तुर्की को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को तुर्की से कोई अलग नहीं कर सकता, वो चाहे ज़ाहरी असबाब हो, चाहे बातनी हो, वो चाहे बैरूनी होते हों, ये नहीं होने लगा। मुस्लिम उलमा मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होंगे और होंगे, सेम ही करते हैं, ऐसी सिचुएशन है कश्मीर, कश्मीर उसके लिए कुछ नहीं करते, टर्की टर्की उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, सिचुएशन है हमारे ईरान के साथ खराब है, अफगानिस्तान के साथ खराब है, हमारे बांग्लादेश के साथ खराब है, आप कहते हैं कि हम यूनाइटेड होने जा रहे हैं? सर ये ऐसे ही है कि एग्री करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्यों नहीं? यानी आप हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे बाजार में हम बैठे हुए कितने पख्तून भाई हैं, ये ठीक है, ये सब अलहदा अलहदा काम कर रहे हैं, अभी आप किसी को छेड़ के देखें ये कीड़ियों की तरह बाहर आके एक जान हो जाएंगे, तो मुसलमानों की भी ऐसे ही है।
जब इन पर कुछ बन पड़ेगी ना तो सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होंगे। ठीक है जी, ये आपकी ओपिनियन थी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि कल को जो हम बार बार कहते हैं तुर्की हमारे साथ खड़ा है कश्मीर को लेकर, या इस तरीके से मुख्तलिफ हम अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, कल को तुर्की इंडिया के अगेंस्ट जा पाएगा? लगता तो नहीं है, ठीक है कि तुर्की उनके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन ये है कि वो मुसलमान के नाते वो सब कुछ वैसे ही करेगा, ठीक है, जो मुसलमान के हक में होगा। पहले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, जब कोई मुसीबत में आपके काम आता है याद वही रहता है। अगर इंडिया ने तुर्की की हेल्प की है, कर रहा है, तो डेफिनेटली तुर्की के रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होंगे। पाकिस्तान को भी चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करे, उसके बाद अपने रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर करे, वो तभी होंगे जब हमारी इकॉनमी बेहतर हो। लेकिन वहाँ के लोग तो अभी भी इकोनॉमी से ऊपर कश्मीर को चुन रहे हैं, चुन रहे हैं। मैंने ना एक चीज देखी है, जैसे टर्की वाले उसमें मैंने ये चीज है, और ये कश्मीर ये ना सिर्फ बातों का खाते हैं, कश्मीर कश्मीर टर्की टर्की, करने को राजी नहीं किसी के लिए। अभी तो चल वो हालात वैसे है, लेकिन यहाँ पर क्या एक चीज मैं बताता हूँ क्यों कश्मीर के लिए नहीं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ये चीज कहूंगा। एजुकेशन के बाद अब क्या होता है, इंसानियत आनी चाहिए इंसान के अंदर। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इंसानियत से पहले हम धर्म लेके आएंगे ना, तो आज इंडिया तुर्की की मदद नहीं कर रहा होता। और यही चीज इंडिया की खासियत है कि इंडिया कभी भी जात पात देख के या धर्म देख के किसी कंट्री के पास मदद के लिए या मदद करने के लिए नहीं जाता। वो एक विजन क्लियर है, साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, वो विजन लेके इंडिया चलती है। जबकि पाकिस्तान का ये है कि ये मुसलमान देश है तो ये तो हमारा दोस्त है, चाहे उनको ये है कि अगर मुस्लिम कंट्री है तो हमारे साथ ही रहेगी, कहीं जा ही नहीं सकती। भाई अगर ऐसा ही है ना, वो चीज एक चीज यूएई गए, यहाँ गए, आग बंद कर दे देते, लुटा देते तुम्हारे ऊपर पैसा कि लो भैया जाओ मौज करो, अपने कर्जे उतारो। ऐसा नहीं होता। आप अपने दोस्त की, रिश्तेदार की तब तक ही मदद कर सकते हो जब तक कि आपको लगता है चलो ठीक है एक बार हो गया दो बार, लेकिन उसके बाद आप भी बोलोगे भैया कुछ काम वाम कर ले, हाँ, कुछ ढंग का कर ले, कुछ लोग हाँ, काम करेगा, अगर मुंह उठा के मांगने आ जाते हो। नहीं, मांगने वाली बात भी नहीं है, आप के साथ लोग ना तभी चलते हैं। एक दो बार तो उन लोग ऐसा कर देंगे नहीं यार चलो मदद कर देते हैं या चलो ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी से वसूलने वाली अगर वो चीज रह जाएगी तो लोग भी पीछे धीरे धीरे हटना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं अपने आप को भी केपेबल बनाओ। नो डाउट आज पाकिस्तानी सिचुएशन थोड़ी डामाडोल है, वहां से मैं तो ये कहूंगा भैया देश कोई भी हो, आम नागरिक भी सफर करता है, सब ठीक हो, लेकिन सिर्फ धर्म को लेके नहीं चल सकते आप। आपको सबसे पहले इंसानियत, एक विजन लेके चलना पड़ेगा। इनको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अभी इसमें इस वैम में रहूंगा कि भैया मेरा पड़ोसी तो मस्त है, उसने दो रोटी कल भी खिलाई थी परसों भी खिलाई थी, वो तो हमेशा खिलाता रहेगा, ऐसे कोई नहीं खिलाता। और किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि भैया खैरात में या फ्री में किसी की मदद करता रहे। मैं भी कहता हूँ नहीं, फिर तो मैं भी किसी को भी जाकर भैया मैं तो तुम्हारे धर्म का हूँ, मुझे खाना खिलाओ ना रोज खिलाओ, कह रहे भाई मैं अपना घर पालू तेरे को पालू नहीं। फिर एक बार अगर ऐसे होता कि सारे मुस्लिम कंट्रीज भाई भाई हैं, तो एक मुस्लिम दूसरे को एक आटे के लिए गटर में धक्का दे रहा है, पाकिस्तान से वो वीडियो आ रही है, तो ये कोई दूसरी कंट्री नहीं है, ये तो एक जो मोहल्ले के लोग होंगे जो बैठ के चाय पी के बैठ के चाय पीते हुए बोलना आसान होता है, बहुत आसान है चीजें, लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी लोगों को समझना चाहिए। आप किसी के लिए कुछ करोगे तभी कोई आपके लिए कुछ करेगा, सिर्फ ये नहीं कि अरे उस गांव में जाएंगे वो भी हिंदू गांव है चल जाएंगे रोटी खिला, अरे तुम जाके तो अजनबी से खाना मांग के देखो कोई नहीं करेगा। तुम्हारे गेट पे भी अगर कोई आता है ना जी खाना दे दो आटा, दस में से एक आदमी को तुम दोगे, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये चीज गौर करने वाली बात है। अगर दोस्तों बात पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो को हो सके जितना शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।